हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर स्वागत है। आइए हम साझा करते हैं इस मंच को, जो करता है केवल आपकी बात, जो करता है आपके बारे में बात, जो सोचता है तो आपके बारे में सोचता है। दोस्तों यह चैनल ऐसा है जो निःशुल्क, हर तरह की निःशुल्क शिक्षा आपको प्रदान करता है। दोस्तों मंच ऐसा है, चाहे वो मीडिया का स्टूडेंट हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको हर तरह की जानकारी फ्री मिलेगी। दोस्तों जब यूजीसी नेट की बात की है तो उसके बाद में मैं एक महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूँ, उसके बाद हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। और वह महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यूजीसी की जो परीक्षाएं जून के अंदर हुई थी 18 जून 2024 को, और जो रद्द हो गई थी, क्या हो गया था, कैंसिल हो गई थी, रद्द हो गई थी, वो पुनः एक बार 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2024 तक होनी है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, और आपका जो है अपना परमिशन लेटर है वो भी आ चुका है। और दोस्तों मैं बता दूं परमिशन लेटर कहां से डाउनलोड करना है, तो दोस्तों जान लीजिए, वह साइट है https://ugcnet.nta.ac.in/। दोस्तों आप यहां से अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपका एग्जाम है वो दो शिफ्ट में होना है। पहली शिफ्ट होगी 9 to 12 और सेकंड शिफ्ट होगी शाम को, इवनिंग में 3 से 6 बजे तक की। दोस्तों टाइम वही रहेगा 3 घंटे का। कब से एग्जाम, 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में ये एग्जाम होने हैं। दोस्तों सीरियस होके पढ़ाई कीजिए, नेट कोई दुरूह कार्य नहीं है। दोस्तों सीएसआईआर को छोड़ दें तो किसी भी तरह का, किसी भी सब्जेक्ट का नेट नेगेटिव मार्किंग में नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इस बार का नेट ऑनलाइन होने वाला, ध्यान दीजिए, क्या होगा, ऑफलाइन मोड नहीं है या ऑनलाइन मोड है, ध्यान दीजिए। इसके बाद मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं कि यह क्यों आयोजित करवाई जाती है, किन किन पोस्ट के लिए करवाई जाती है। दोस्तों अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए, और दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और पीएचडी में एडमिशन के लिए। जैसा कि दोस्तों यूजीसी नेट ने एक नया नियम बनाया है कि जिसको भी पीएचडी करनी होगी उसे नेट एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा, नहीं तो वह नेट नहीं दे पाएगा, वो पीएचडी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने नेट का एग्जाम क्लियर नहीं किया है। तीसरी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और पीएचडी, इसके अलावा सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए भी यदि आपने फाइट कर रखा है और आपका नहीं हुआ है तो भी आप पीएचडी के अंदर बैठ सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे पूर्ववर्ती, हमारे जो पहले की वीडियो है उनको देख सकते हैं। दोस्तों तैयारी कीजिए यूजीसी नेट के बारे में, यूजीसी नेट का हर वीडियो आपको परम क्लासेस के चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, यहां तक कि आपको अनसोल्ड पेपर मिलेंगे मीडिया सब्जेक्ट के, पूरी जानकारी के कई वीडियोज हैं जो आपकी पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करते हुए हम आज के जो महत्वपूर्ण विषय है उसके ऊपर, जो कि आज के वीडियो का महत्वपूर्ण विषय है, उसको हम आगे लेके चलते हैं। तो दोस्तों आज का जो विषय है होने को तो बहुत सरल है और हमारी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि यदि हम किसी भी विषय को हमारी आम जिंदगी से जोड़कर देखेंगे तो इजी हो जाएगा, लेकिन यदि हमने रटने की कोशिश की तो हार्ड होता जाएगा। तो दोस्तों आज ऐसे एक टॉपिक हम लेकर आए हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स का मानना है कि इसके बारे में हमें बहुत कम मैटर वो ऑनलाइन उपलब्ध है। दोस्तों इस अनुपलब्धता को हम उपलब्ध कराने आ गए हैं आपसे साझा करने, वो टॉपिक है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन मींस प्रदर्शनी। दोस्तों प्रदर्शनी एक बहुत ही सरल शब्द है, लेकिन जब
एग्जाम पेपर में आता है लिखने के लिए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैटर नेट पर बहुत कम उपलब्ध है। तो दोस्तों आज हम विद उदाहरण के, ताजा तरीन उदाहरणों के साथ आपके सामने लेकर आए हैं कि प्रदर्शनी क्या चीज है, व्हाट इज द एग्जीबिशन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन ऑफ एग्जीबिशन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन। तो दोस्तों आज हम जान लेते हैं सबसे पहले कि एग्जीबिशन होता क्या है। तो दोस्तों पहले हम इंग्लिश में जानेंगे, उसके बाद हम पूरी जानकारी को हिंदी में भी रिपीट करेंगे और हम साझा करेंगे एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों जान लेते हैं कि वह एग्जीबिशन होता क्या, व्हाट इज द एग्जीबिशन, व्हाट इज द मीन ऑफ एग्जीबिशन। तो दोस्तों एन एग्जीबिशन इज एन इवेंट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जीबिटेड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड टू द पब्लिक। अगेन, एन एग्जीबिशन इज एन इवेंट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जीबिटेड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड टू द पब्लिक। सेकेंड, एन एग्जीबिशन डेफिनेशन इज ए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इवेंट्स एंड एग्जीबिशन कैन बी एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग ब्रांड अवेयरनेस। दे अलो यू टू रीच आउट टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हु मे हैव नेवर हियर्ड ऑफ योर बिफोर। एडिशनली दे ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क विद एग्जिस्टिंग एंड परस्पेक्टिव कस्टमर्स। फ्रेंड्स, दिस इज द होल एंड मेन डेफिनेशन ऑफ एग्जीबिशन। एग्जीबिशन मीन्स एग्जिबिट द सर्विसेज एंड गुड्स फॉर द डेमोन्स्ट्रेटेड टू द पब्लिक। नाउ वी विल नो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्जीबिशन। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्जीबिशन? द आंसर इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जीबिशन इज टू एंश्योर दैट यू लीव विद सेवरल लीड्स एज नेसेसरी। सम ऑफ दीज लीड्स शुड हैव द पोटेंशियल टू बिकम लॉन्ग टर्म पेइंग कस्टमर्स। वन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन एज अट्रैक्टिव एज दिस इज ऑनलाइन। फ्रेंड्स, हैविंग ए कॉम्पिटेंट एंड फ्रेंडली वर्कफोर्स एट योर बूथ इज एसेंशियल टू अट्रैक्टिंग मेनी न्यू एंड ओल्ड कस्टमर्स। फ्रेंड्स, एग्जीबिशन सेज दैट माई ऑब्जेक्टिव इज टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर्स एंड टेल देम, इन्फॉर्म देम अबाउट द सर्विसेज एंड गुड्स दे डिड नॉट नो बिफोर दैट। दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जीबिशन इन फ्यू वर्ड्स। फ्रेंड्स, नाउ what is the mission of exhibition? Friends, the exhibition serves as a physical representation of your services and products. Very good mission. The exhibition exhibits, the exhibition serves, the exhibition shows, the exhibition represents physically of your services and goods so that the customer can attract towards the products or services. If a trader or businessman or industrialist wish to collaborate with other firms, an exhibition provides an opportunity and a base to establish contact with them, because every can visit exhibition. You can find that most of your clients are also business entrepreneurs.
अटेंडिंग ट्रेड एग्जीबिशंस अलाउज यू टू मीट लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स विद हुम यू मे एक्सचेंज आइडियाज एंड एक्सचेंज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑल्सो. फ्रेंड्स, कनेक्टिंग विद दीज प्रोफेशनल्स विल हेल्प यू इनोवेट एंड मॉडरेट टू योर बिजनेस. इट मे बी वेरी मच सक्सेसफुल एंड यूजफुल फॉर यू, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर सर्विसेज, फॉर योर प्रोडक्ट्स. फ्रेंड्स, नाउ वी विल नो व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जीबिशंस इन अदर वे. द ऑब्जेक्टिव्स, द मिशंस एंड द इंपॉर्टेंस आर नॉट डिफर फ्रॉम ईच अदर, बट इंपॉर्टेंस आर ए वास्ट एरिया रदर देन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. फ्रेंड्स, नाउ इट विल बी वेरी यूजफुल टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जीबिशन फॉर यू एंड फॉर द बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ट्रेडर्स. फ्रेंड्स, नाउ एग्जीबिशंस अट्रैक्ट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोफेशनल्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री ऑब्जेक्टिव्स. लर्न मोर अबाउट द की एस्पेक्ट ऑफ एग्जीबिशन. शेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जीबिशन अलाउज यू टू रीच ए लार्जर ऑडियंस एंड प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज विद शेयरिंग द आइडियाज. डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, एग्जीबिटर्स कैन होल्ड एग्जीबिशन टूगेदर बिजनेस फीडबैक बिफोर इंट्रोड्यूसिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. थ्रू द एग्जीबिशन कस्टमर्स और कंज्यूमर्स कैन शेयर देयर आइडियाज एंड दे कैन गिव एडवाइस टू इंप्रूव योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. एज ए रिजल्ट यू गैन एक्सेस टू ए कंसिस्टेंट पूल ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स विद हुम यू कैन फॉलो अप आफ्टर द शो. राइट, आफ्टर द एग्जीबिशन यू कैन शेयर देयर, यू कैन टैक देयर ओपिनियंस टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. दे विल यूजफुल फॉर योर कंपनी, फॉर योर इंडस्ट्री, 100% श्योर. फ्रेंड्स, की एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन एग्जीबिशन. हाउ यू विल ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन. फ्रेंड्स, द क्रिटिकल थिंग्स वन शुड कंसिडर वेन ऑर्गेनाइजिंग एन एग्जीबिशन, दीज मे बी फॉलोड बाय मेनी थिंग्स विच आर ए क्लियर आइडिया ऑफ द इवेंट्स गोल results in more effective planning and resource allocation. Second is, depending on the objective of your organization, you must define your target customers and their needs. Second is, choosing the right venue for your event is essential to the performance. Friends, the venue should be such a place that is well known for customers, well known for your consumers, well known for your public. We are exhibiting our products or services for the public, so we should know which venue is useful or potential or beneficial for the public to reach there.
फ्रेंड्स नेक्स्ट इज क्रिएट कैप्टिवेटिंग कंटेंट दैट एंगेज योर टारगेट ऑडियंस प्रोवाइड्स देम विद द इंफॉर्मेशन दे नीड और सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. फ्रेंड्स वी शुड अपॉइंट सच सेल्समैन सच ए ब्रॉड सच ए सक्सेसफुल टीम दैट कैन बी हेल्प ऑडियंस इन ऑल मैनर्स योर पब्लिक इन ऑल मैनर्स इन विच दे वांट टू नो ऑल थिंग्स. दैट इज द मेन पॉइंट्स टू ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन और एनी इवेंट. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट देर इज ए मेन पावर इज PRO, Public Relation Officer. You should appoint a PRO who can know and tell you what the public want to know or what they need so that your objective will be done in half manner. Friends, now we will know the what are the importances of exhibition. Friends, exhibition can share, can moderate all things which you can want to know in the all manners that can be in every. First is targeting audience. You can reach towards your targeting audience that can be very useful in all manners. Friends, exhibition may be cost, but that will be provides you the bunch of benefits will be very useful to your industry, your business and your trade. In other things, we can say that the exhibition is very much beneficial for all the parts of the society, like consumers, like entrepreneurs, like PRO, like a team of selling, like country, like everything. You can say that all things are mightily very easy if you know the importance of exhibition. That will be very, very necessary to know in all aspects which you want to know. Friends, now we will know more things which want to know for the exhibition and about the exhibition. And these are the more things, not a one thing. There are many objects, many importances, and the main importance of exhibition is the face-to-face communication. Face-to-face communication means exhibitions are independent and accessible for all channels to reach new, old and potential clients in a given place at a specific time, place where they can reach. They provide direct client interaction, two-way communication in interpersonal. There is direct communication. The greatest approach to maintaining and developing existing relationships, a good exhibition presentation can assist establish your brand's credibility and promote interest in new products or services. It helps you to gain market traction and expand your client base or client view. Exhibitions can help you to grow your brand from a startup to a successful and effective enterprise. Friends, many
मेनी ब्रांड्स स्टार्टेड विद ए शॉर्ट स्टार्टअप बट नाउडेज दैट इज द मेन कंपनीज मेन ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द रीजन इज सेम दे यूज्ड ए सक्सेसफुल एग्जीबिशन और अदर टाइप ऑफ पब्लिक अट्रैक्शन. फ्रेंड्स नेक्स्ट इज बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस. फ्रेंड्स पार्टिसिपेशन इन एन एग्जीबिशन हेल्प्स यू टू बिल्ड ब्रांड रेलिवेंस. इट इज एन एक्सीलेंट मेथड टू बूस्ट योर ब्रांड्स वैल्यू एंड जनरेट पब्लिसिटी बाय पार्टिसिपेटिंग इन इंडस्ट्री इवेंट्स. फ्रेंड्स मेनी टाइम्स the exhibition go for the publicity also. Publicity means mouth publicity. If you go through the public or client with their needs with two-way communication, direct communication, then your product will get free publicity. That will be mouth publicity. And the public group, public view will be broad and broad. Friends, understanding the importance of exhibition, participation will increase your advertising and marketing opportunities. Friends, if you use attractive exhibition stands, your target audience will be drawn to your booth and become more familiar with your business. Friends, attraction is the main point of exhibition. That may be standing, that may be powerful slideshow, that may be powerful sandwich man, everything can be attracted to your public, to the normal public. If they have no need that product, the attraction will be and increase their needs towards your product and services. They will immediately interact with your brand once they become familiar with it. And that is possible only for the reason of attractive attractions like sideshow, like everything. Standing, like stands, like entrance, like your schemes in exhibition. Friends, as a result of the proximity, you will be able to understand your audience and their demands better. Friends, when we talk through the direct communication, then we know what he want to know, what is the need, and what is the need for the product and services of a customer. The exhibition work for the same for entrepreneurs. Next is networking. Friends, exhibitions allow a significant market size in a business world to meet simultaneously. In addition, these events attract like-minded individuals from the same profession or industry. It allows participants to network and grow a company's marketing strategy and brand recognition. That will be very important if you want that your brand get networking in the world, in the society. Then you should arrange or organize an efficient and successful exhibition, the competition in the open market. Friends, additionally, in today's highly competitive marketing world, we must have a good understanding to
ऑफ आवर कंपिटिटर्स. ओपन कंपिटिशन कैन हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस. एग्जीबिशंस प्रोवाइड्स बायर्स विद ए प्रोएक्टिव प्लेटफॉर्म दैट कैन एक्सप्लोर एंड एनालाइज प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. कंपेयर वन प्रोडक्ट टू दोज ऑफ अदर कंपनीज एंड देन रिटर्न फॉर एडिशनल एग्जामिनेशन ऑल इन ए शॉर्ट टाइम. इट इनेबल्स टू प्रोड्यूसर्स टू एसर्टेन व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क्स. इंटरप्रेटिव मिशन. फ्रेंड्स, एग्जीबिशन अलो यू एंड योर प्रोडक्ट टू एग्जिबिट और कंडक्ट फेस फाइंडिंग मिशंस टू डिटरमाइन व्हाट योर कंपिटिटर्स आर डूइंग डिफरेंटली. फाइंड आउट योर कंपिटिटर्स चार्जिंग फॉर देयर प्रोडक्ट्स बाय आस्किंग फॉर देयर प्राइस लिस्ट और लुकिंग केयरफुली एट द बूथ्स विद द मोस्ट विजिटर्स. ऑल ऑफ दिस विल असिस्ट you in understanding other brands, sales and marketing methods and modifying your strategy. Friends, when we organize an exhibition, mostly public came there, but your competitor also visit your exhibition booths, become a customer or consumer, and they get your strategy, and same for your industry. You can also exhibit, you can also visit these exhibitions and get more strategical part for your business or product or services. Friends, next is review of a product. Friends, I can say that exhibition is a mirror where you can see your own product's picture in very clear way. Friends, social media has opened a new era of branding and marketers. If you are a blogger or a social media influencer, you will be able to find things to review at trade events and exhibitions. Additionally, you can obtain professional opinions on new advancements and suggestions about how to upliftment or upgrade existing products or services. Friends, social media is such a platform where you can get the review of your product or services, and you can boost or improve the quality and the cost and the price of your product rather than the competitors. Friends, next is showcasing. Friends, producers can reach a specific audience by displaying their goods and services at exhibitions. Displays will draw visitors' attention, buyers and the media to your products. This ensure explore is highly beneficial to a small or a big business. Launching a product. Exhibitions are ideal for launching new products and testing their feasibility. In addition, exhibition feedback will quickly reveal whether or not a product is suitable for a specific audience or that is for the consumers or not. Friends, in other words, exhibition build your brand. Friends, if your brand is new in market and you want to know the goodwill and branding of your brand, then
द एग्जीबिशन इज मोस्ट पावरफुल एंड मोर पावरफुल टूल फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस. फ्रेंड्स, इफ यू ऑर्गेनाइज एंड सक्सेसफुल एग्जीबिशन एंड गुड एग्जीबिशन देन द एवरीवन एवरी द पब्लिक विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. And that can be done by only PRO, Public Relations Officer. Your Public Relations Officer, your venue, and the attraction point, these things attract the view or mind of or needs of a person or a consumer or a group of public. Friends, now we will know the generate leads and sales. Friends, many times customer came at your exhibition. They have no needs of these products, but when he look at your products and services and the attract towards them by the attractive points, focus points, then the needs will arise in them. And they will be ready to buy your product. Thus, the exhibition plays a role to generate leads and to increase your product sales and services. Friends, these all things comes in the importance of exhibition. In other words, we can say that exhibition is a lifeblood for an industry or for a business, for a trade. Like is a blood in our body. Friends, if exhibition word will be not in your industry, not in your strategy, then you can't do successful business or trade or industry, never. Friends, exhibition play a pivotal role for your industry, for an entrepreneur. These importance can say that exhibition is the more powerful tool to attract the public or the group of individuals. Friends, now we will know all things in Hindi also. I hope that you have been know all things very well in English also, because the English language is very easy at Pram classes here. Now friends, we will know all things in Hindi also, because there are many Hindi medium students also. Friends, प्रदर्शनी की परिभाषा को यदि लिया जाए, यदि हम देखें तो प्रदर्शनी परिभाषा आती है कि वस्तुओं और सेवाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन ही प्रदर्शनी है. प्रदर्शन क्या करती है? सार्वजनिक करती है. किसको करती है? आपके प्रोडक्ट और सेवा को जनता के सामने रखता है और जनता उसके तरफ अट्रैक्टिव होकर खरीदने को तैयार हो जाती है. दोस्तों, कार्यक्रम और प्रदर्शनियां ब्रांड जागरूकता फैलाने का एक प्रभावी साधन है. ये आपको ऐसे लोगों के समूह तक पहुंचने का मौका देते हैं जिन्होंने शायद आपके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं हो. दोस्तों, ये प्रदर्शनियां आपके प्रोडक्ट को इतना ज्यादा पॉपुलर बना देती है कि वो खरीदे बिना रह नहीं सकते. जिनकी नीड नहीं थी ना, उनके अंदर भी आवश्यकता को जगाना, जरूरतों को पैदा करने का काम करती है प्रदर्शनी. दोस्तों, इसके अलावा ये मौजूदा और संभावित ग्राहकों के साथ नेटवर्क बनाने का अवसर भी प्रदान करती है. दोस्तों, जैसा कि आपके प्रदर्शनी लगाई और वहां पे नए कस्टमर्स आए, उन्होंने आपका प्रोडक्ट यूज किया, तो क्या हुआ? उनको अच्छा लगा और आप वो क्या करेंगे, आपके नए कस्टमर बन जाए. दोस्तों, पहले मार्केट में टूथपेस्ट का एक ही ब्रांड था, राइट? जब प्रदर्शनियां लगने लगी, जब लोग जानने लगे एग्जीबिशन के थ्रू, तो क्या हुआ? हजारों कंपनीज आ गई, हजारों ब्रांड्स आ गए और सारे के सारे
जो अच्छे थे, एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। यदि आपने जो एग्जीबिशन पे रखी है वही हमेशा रखनी पड़ेगी, तभी वो कंज्यूमर बने रह पाएंगे, अन्यथा दूसरे ब्रांड की तरफ रुख कर जाएंगे। ये चीजें दोस्तों। इसके बाद अब प्रदर्शन का महत्व क्या है, क्या इंपोर्टेंस है एक एग्जीबिशन को जान लेते हैं। प्रदर्शन आप पेशेवरों या जो एंटरप्रेन्योर है उद्यमों के लिए एक व्यापक स्पेक्ट्रम को आकर्षित करती है और व्यापार उद्योग के उद्देश्यों में योगदान देती है कि समय पर उनकी जो डिमांड की वो पूरी हो जाए। पहला तो है शेयर करना। शेयर क्या करेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, राय देंगे। कौन देंगे, कस्टमर देंगे, ग्राहक देंगे, राय देंगे। क्या करेंगे, राय देंगे। राय कितनी देंगे, राय देंगे कि भैया आपका प्रोडक्ट कितना चल सकता है, कितना किस तरह से आपको प्रोडक्ट में सुधार करने की जरूरत है ना। हुआ होता क्या है, जब वो यूज करेंगे तो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे मैसेज के जरिए हो, चाहे मोबाइल के जरिए हो, वो आपको अपनी राय जरूर देंगे। दोस्तों राय देने से क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ ये मिलेगा कि कहां आपका लूप होल है, आपको प्रोडक्ट कहां पर कमजोर हो रहा है जिसकी वजह से आपको मार्केट नहीं मिल रहा है। दोस्तों जब शेयरिंग होगी तो केयरिंग जरूर होगी, शेयरिंग होगी विचारों की, शेयरिंग होगी राय की, शेयरिंग होगी अच्छाइयों की, तो केयरिंग किस चीज की होगी, केयरिंग होगी उनके स्वास्थ्य की, जिनके बारे में आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिनके बारे में सर्विस लॉन्च कर रहे हैं। तो शेयरिंग इज केयरिंग, इज पॉसिबल ओनली बाय द एग्जीबिशन। इसके अलावा बहुत से हैं जिससे कि हम इसके बीच में देखते हैं प्रदर्शन के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही होता है कि सुनिश्चित करना कि आप आवश्यकता अनुसार कई लीड लेकर जाए। देखिए दोस्तों क्या होता है, प्रदर्शनी का मतलब ये तो नहीं है कि आप खर्चा करें और उसका मुनाफा ना मिले, नो पेन नो गेन। प्रदर्शनी भी इसी पे टिकी हुई है, एग्जीबिशन भी इसी पे टिकी है। दोस्तों होता क्या है, जब पैसा लगाएंगे तो आपका एक मोटिव होगा कि हम नए कंज्यूमर्स लेकर जाए, नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करके जाए, हम नए कस्टमर्स बनाकर जाए जो कि हमारे प्रोडक्ट को यूज करें, और उसका मेन काम है कि आकर्षक बनाना आपके प्रोडक्ट को और आपकी तरफ, आपके जो प्रोडक्ट की तरफ है उनको आकर्षित करना, ताकि वो आकर्षित होकर आपके प्रोडक्ट को यूज करें। अब बात आती है कि प्रदर्शनी का आयोजन कैसे किया जाए, इसके महत्वपूर्ण पहलू को जानना आवश्यक है। पहला तो है आयोजन के लक्ष्य की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि हमारा मेन लक्ष्य क्या है। हमारा मेन लक्ष्य है नए कंज्यूमरों को अट्रैक्ट करना है, या हमारा प्रोडक्ट पुराना है और उसका जो फ्लेवर है वो नया है उसकी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी वो इस पर डिपेंड करेगी कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा एम क्या है। दूसरा है संगठन के उद्देश्य के आधार पर आपको लक्षित ग्राहक कौन है, ग्रामीण है या शहरी है, महिला है या पुरुष है, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, स्कूल वाले हैं या कॉलेज के, इन सबको ध्यान में रखकर ही आपको एग्जीबिशन के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना दोस्तों, वह है वेन्यू का डिसाइड करना, स्थान का चयन करना जहां पे आप प्रदर्शनी लगाएंगे। एग्जीबिशन में समय का महत्व तो क्या है आप कहेंगे, तो मैं बता दूंगा दोस्तों कि समय का महत्व तो यह है कि वह जगह है जो कि जनता के, जो पब्लिक है, जो कंज्यूमर है, उनके दिमाग में बैठी हुई है और उन तक सरल पहुंच है, वहां उनको पहुंचने में दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, वो पब्लिक वहां तक, जो क्राउड है वो ज्यादा पहुंचेगी। एक समय, समय ऐसा रखें कि हर तरह की पब्लिक जा पाए, स्टूडेंट हो चाहे गृहणिया हो चाहे पुरुष हो, हर कोई वहां तक जा सके। और कम से कम दो या तीन दिन का रखें एग्जीबिशन, क्योंकि एक दिन में आप किसी के व्यू को जान नहीं सकते हैं। और ऐसे आकर्षक विषय वस्तु तैयार करें, चाहे वो सैंडविच मैन हो, चाहे वो स्टैंडी हो, चाहे आपको अट्रैक्टिव कोई स्कीम हो, चाहे कोई और तरह का आइटम हो, या कोई और तरह की स्ट्रेटेजी हो, वो आपको बनानी चाहिए ताकि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए जो कंज्यूमर है, जो पब्लिक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तभी जाकर एग्जीबिशन का उद्देश्य है, मिशन है, वो सफल हो पाएगा। अब आती है महत्व की बात, आमने सामने संचार। महत्व क्या होता है, देखिए दोस्तों प्रदर्शनियों में क्या होता है, आमने सामने होता है, दोनों कौन होता है, सेल्समैन
और कंज्यूमर दोनों आमने सामने होते हैं। कंज्यूमर की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कौन करेगा? सेल्समैन करेगा या एग्जीबिटर करेगा, एंटरप्रेन्योर करेगा, मतलब उद्यमी करेगा। दोस्तों दोनों आमने सामने मिलते हैं तो सवाल जवाब होते हैं, सवाल जवाब होते हैं तो कुछ कमियां निकल कर सामने आती है, कमियां निकल कर सामने आई तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया जो आप चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे? आपको वो सारी चीजें मिल गई कि आपको सुधार क्या करना है आपके प्रोडक्ट में, और आप जो करना चाह रहे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था वो पब्लिक ने आपको बता दिया, और आपने क्या किया उसे सुधार किया, आपका ब्रांड हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड बन गया, और प्रोडक्ट ब्रांड बन गया मतलब आप एक अच्छा मार्केट तलाशने में कामयाब हो पाए। इसके अलावा ब्रांड की विश्वसनीयता कायम होती है दोस्तों। यदि आप जनता से टू वे कम्युनिकेशन करते हैं तो ब्रांड विश्वसनीयता उसमें जो ट्रस्ट वर्दी हो जाता है, जब आप आमने सामने बात करते हैं तो वही सोचता है, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो ऐसा होता है कि नहीं सत्य बोल रहा है और हमें प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा, और आप वहां पे यूज करके भी देख सकते हैं। दोस्तों हाथ कंगन को आर्श किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो आप यदि वहां यूज करके देखते हैं तो आप 100 लोगों को और बताएंगे, नहीं यार प्रोडक्ट अच्छा था, मैंने यूज किया, मेरे को अच्छा लगा, और आपको यूज करना चाहिए। बस इसी में एग्जीबिशन का महत्व हो गया, उसका पूरा जो एम था उसका। उसके अलावा ब्रांड जागरूकता का निर्माण करें। दोस्तों होता क्या है, प्रदर्शनी में भाग लेने से ब्रांड की प्रासंगिकता बनाने में मदद मिलती है। दोस्तों लोग वहां जुड़ते हैं, मौत पब्लिसिटी होती है, मौत पब्लिसिटी होने से क्या होता है, लोगों तक आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजिंग होती है। एडवर्टाइजिंग होने से क्या होगा, लोग ज्यादा जुड़ेंगे आपके प्रोडक्ट की तरफ, अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होने से क्या होगा, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की ज्यादा डिमांड होगी, और डिमांड होने से क्या होगा, ज्यादा बिकेगा, और आपका प्रॉफिट अंत तक देश का और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसके अलावा क्या दोस्तों, बहुत से ऐसे है जिससे कि फायदा होता है, एक है नेटवर्किंग। दोस्तों कई ऐसे व्यापारी और कई ऐसे ट्रेडर्स आपको मिलेंगे जो आपकी ही प्रकृति के बिजनेस के हैं, और आप आदान प्रदान कर सकते हैं अपने विचारों का, अपने स्ट्रेटेजी का, अपने प्लान्स का, अपने जो स्कीम्स हैं उनका, ताकि आपको एक नया मार्केट मिला है तो उसको आप सही ढंग से यूज कर पाए, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। उसके बाद है खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा। दोस्तों एग्जीबिशन जो प्रदर्शनी है आपको बाजार में खुलकर स्पर्धा में भाग लेने का लिए मंच प्रदान करता है, जहां पर आप खड़े होकर अन्य सभी प्रतिस्पर्धियों के बीच में अपने प्रोडक्ट को रखकर अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जो कि वो हासिल करना चाहते हैं, जो कि आपका जो कंज्यूमर है वो जानना चाहता है, क्योंकि दोस्तों उसके सामने प्रोडक्ट 100 है, एक ही प्रोडक्ट की 100 चीजें हैं वहां पर, सेवैया 100 तरह की मार्केट में, लेकिन बिकेगा कब, जब आप एग्जीबिशन में लेकर जाएंगे, उसकी अलग अलग चीजें बताएंगे, और जो आपका कंपिटिटर है क्या यूज करता है क्या नहीं करता वो आप जानेंगे, तो आप अपने बेटर बना पाएंगे अपने प्रोडक्ट को जब आप एग्जीबिशन में भाग लेंगे। इसके अलावा दोस्तों बहुत से ऐसे हैं जैसे कि व्याख्यात्मक मिशन होता क्या, आप एग्जीबिशन के जरिए जो आपके कंज्यूमर है उनको पूरा विस्तार से बता पाएंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, क्या काम करता है, आपके लिए उपयोगी क्यों है, और यदि आपको नीड नहीं है तो फ्यूचर में क्या नीड हो सकती है। दोस्तों कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, आप एग्जीबिशन देखने गए लेकिन आपको नीड नहीं थी, जब तक आप घर से निकले एग्जीबिशन देखने निकले आप खाली, लेकिन जब आपने जाना विस्तार से जाना प्रोडक्ट की आवश्यकता को, तो आपने सोचा यार ये मेरे काम आ सकता है, ये आज नहीं तो कल काम आएगा, तो वो क्या क्या करेगा, आपके अंदर एक जरूरत को पैदा करेगा, जरूरत पैदा हुई तो आप क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो ये हो गया व्याख्यात्मक मिशन। एग्जीबिशन का मेन मिशन क्या है, आपको समझाना, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, और आपके अंदर जरूरतें पैदा करना, जो जरूरतें आपके दिमाग में नहीं थी, जो आपको जरूरत नहीं थी वो आपके अंदर पैदा करना, और आपके खरीद के लिए आपको तैयार करना। इसके अलावा है किसी उत्पाद की समीक्षा करना। दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे सोशल मीडिया है, आज का युग सोशल मीडिया का युग है, आपने क्या किया, कोई भी ब्रांड लाया मार्केट से लाया, और युवा है, युवा शक्ति सबसे पावरफुल शक्ति है, वो क्या करेगी, सबसे बड़ा मोटिव ये होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर का, एक उद्यमी का, कि ये वो युवा शक्ति को अट्रैक्ट कर पाए। यदि उसने युवा शक्ति को अट्रैक्ट कर लिया तो सारा काम अपने आप हो जाएगा। अब क्या होता है, किसी उत्पाद की समीक्षा करना, तो दोस्तों 80% युवा अपना ज्यादा से ज्यादा समय आजकल सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं,
जिसे वो प्रोडक्ट खरीदेंगे उसकी फोटो या उसके बारे में जानकारी ऑनलाइन डालेंगे और उनको रेटिंग देंगे, रैंकिंग देंगे। उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट की जो रिव्यू है समीक्षा अपने आप हो जाती है। किसी रिव्यूअर को या आपको कोई मीडिया रिसर्च, मार्केट रिसर्च करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो काम आपका स्वतः हो जाता है सोशल मीडिया के जरिए। इसके अलावा प्रदर्शन करना, दोस्तों आपको बहुत कम समय में अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित करने में और उनके प्रति सक्सेसफुल मार्केट पैदा करने में हेल्प मिलती है। दोस्तों यदि आपका अट्रैक्शन पॉइंट अच्छा होगा तो आपके प्रोडक्ट की तरफ अपने आप जो है पब्लिक चल कर आएगी और आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो हाथों हाथ देखते देखते बिक जाएगा और मार्केट बन जाएगा आपका प्रोडक्ट है। उसके बाद उत्पाद लॉन्च करना, दोस्तों यदि आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया एक टूल है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन के जरिए जिस प्रोडक्ट के बारे में जनता नहीं जानती थी उसके बारे में जनता जानने लगती है और उनके दिमाग में एक ऑप्शन और आ जाता है कि इस प्रोडक्ट का, इस चीज का, इस सर्विस का हमारे पास एक और चॉइस है। यदि वो मोनोपोली करता तो हम इसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये आपको चॉइस किसने दी, एग्जीबिशन से। एग्जीबिशन के जरिए आपने क्या किया, वहां तक पहुंचने में अब सक्सेस हो पाए। दोस्तों एक और है, ब्रांड में निष्ठा और विश्वास जगाने का काम भी आपका एग्जीबिशन करता है, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन होगा तो लोगों में विश्वास जमेगा। क्यों, क्योंकि आप एक एक चीज पूछते हैं, भैया ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, यदि इसका मिसयूज हुआ तो क्या होगा, यदि हमने यूज किया और यह हुआ तो क्या, सारी जानकारियों का जवाब आपको 99% वहां देने की कोशिश की जाती है। तो उससे क्या होता है, ब्रांड में विश्वसनीयता बनती है दोस्तों, निष्ठा बनती है और आपका जो ब्रांड है रातों रात क्या होता है, वो एक अपना गुडविल बना लेता है और जागरूकता पैदा करता है। ब्रांड जागरूकता पैदा करने में एग्जीबिशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे, ब्रांड के बारे में बाजार में जागरूकता पैदा कैसे की जाती है दोस्तों, यानी कि भीड़ में लोकप्रिय होता है। दोस्तों होता क्या, ब्रांड में लोकप्रियता जागरूकता कैसी होती है, आपकी जरूरतों को पैदा करना, जरूरतें थी नहीं किसी प्रोडक्ट की, आपके अंदर पैदा कर दी और आपके अंदर जागरूकता पैदा कर दी कि ये ब्रांड ये काम भी कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, भैया एक पंथ दो काज है, एक चीज के कई लाभ है, तो हमें एक चीज खरीद ये खरीद लेते हैं और प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं क्योंकि एक से सारे काम हो रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको कहां मिलेगी, एक एग्जीबिशन के जरिए मिलेगी और एग्जीबिशन की जानकारी आपको कहां मिलेगी, परम क्लासेस चैनल पर मिलेगी। तो अंततः बात कहने की 100 बात की एक बात है कि यदि आपको आपके इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी है तो कहां आना पड़ेगा, वो एक ही साधन है, एक ही टूल आपके लिए, वह है परम क्लासेस चैनल। वो एग्जीबिशन नहीं है, वो टू वे कम्युनिकेशन का एक बेस है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं और आप, परम क्लासेस चैनल और आप दोनों टू वे कम्युनिकेशन के जरिए जुड़ते हैं और साझा करते हैं अपने विचारों को, क्या आपको चाहिए और हम क्या आपको दे सकते हैं, कोशिश की जाती है। तो दोस्तों हम मिले हैं एक अटली बटली डिलीशियस ब्रेक की बात, क्योंकि मानसून के अंदर आप बाहर नहीं निकले होंगे दोस्तों, निकलना भी नहीं है क्योंकि तेज बारिश आप कभी भी क्षति पहुंचा सकती है। निकलना भी क्यों है बारिश में, जब आपके पास प्रम क्लासेज जैसा क्लासरूम है, अच्छा मंच है, अच्छा प्लेटफॉर्म, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं और वैसे पढ़ाई होगी जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना मोबाइल, दबाइए सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर रोज जो नए टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर, चाहे बारिश हो चाहे मानसून हो, हम और आप साझा करेंगे अपने विचारों को इसी मंच पर इसी चैनल पर। धन्यवाद।